हिमाचल के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज बडडाला में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 75 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि राज्य की महिलाओं की रसोई धुआं मुक्त हो, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। उन्होंने गांव व गरीब के लिए ऐसी योजना चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया और कहा कि अब तक हिमाचल प्रदेश में 3.5 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और 1.30 लाख लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सब घरों को एलपीजी गैस का सिलेंडर देने का निर्णय लिया था 3 वर्ष पहले, और अभी तक लगभग 3.5 लाख परिवारों को भी एलपीजी गैस कनेक्शन महिला गृहिणी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत दिए गए। आज बडाड़ा गांव में सराउंडिंग के गांवों से 75 महिलाओं को जो मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। गरीब लोगों को गैस खरीदने में, सिलेंडर लेने में, चूल्हा लेने में और बाकी सारी चीज़ें लेने में दिक्कत होती थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था कि देश के सब लोगों को उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर देंगे, तो लगभग 1,30,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के अंदर मिले। अभी 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इस महिला गृहिणी सशक्तिकरण योजना के अंदर मिले। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब घरों के अंदर सिलेंडर पहुँच गया है, और गवर्नमेंट की खुली ऑफर है, खुला निमंत्रण है कि अगर अभी भी किसी के राशन कार्ड के ऊपर गैस का सिलेंडर नहीं है, उसको नहीं मिला है, तो वो अप्लाई करें और संबंधित गैस एजेंसी में जाकर के अप्लाई करें, डिपार्टमेंट में बातचीत करें, तो उनको गैस का। तो आपको बता दें कि 75 परिवारों को यहाँ पर हिमाचल के ऊना में, आपको बता दें 75 परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किया गया है। सतपाल सिंह सत्ती ने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम में वो पहुंचे और मुख्य अतिथि के रूप में वो यहाँ पर पहुंचे और राज्य की महिलाओं को रसोई, जो उनकी रसोई हो, धुआं मुक्त हो, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। आपको बता दें कि आज हिमाचल के ऊना में 75 परिवारों को गैस कनेक्शन जो है वितरित किए गए हैं, और इसी के साथ सतपाल सिंह सत्ती भी इस अवसर पर वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने संबोधन में, आपको बता दें, कहा कि राज्य की महिलाओं की जो रसोई है वो धुआं मुक्त हो। और इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी यहाँ पर बात रखी, उसके बारे में भी बताया कि कितने लोगों को इससे फायदा।